पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप माइक ले लें, कि चूंकि ये एक पर्यटन नगरी है आगरा, और यहाँ जो आता आगरा ताजमहल देखने लोग आए, और उसके बाद बगल में मथुरा है वहाँ गए, तो ऐसे करके एक इकोनॉमी यहाँ से जनरेट होती है। तो अभी क्या स्थिति है आगरा की, मतलब कोविड के दौरान और अब जब कोविड से हम उबर रहे हैं उस समय पे, क्या सरकारों की तरफ से आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया गया जिससे वापस सब चीज़ें पटरी पे आएं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपनी बात रख सकूँ। देखिए, जहाँ तक आप कोरोना की बात करें तो हमें जो पर्यटन उद्योग को तो शायद ना भारत सरकार और ना ही प्रदेश सरकार, उनके दोनों के एजेंडे में पर्यटन उद्योग है ही नहीं। अगर आपको मैं इस भारत सरकार की जीडीपी की बात करूं तो देश के अंदर 9.2% जीडीपी का हिस्सा हमारे पर्यटन उद्योग से है, और बड़े कहते हुए भी बड़े शर्म सी आती है कि लगता है कि पर्यटन कोई उद्योग ही नहीं है। और जबकि कोई भी, आज मैं अगर आगरा की बात करूं तो जब भी कोई वीवीआईपी आता है आगरा के अंदर या हमारे देश के अंदर, तो उसको आगरा ही विज़िट कराया जाता है। और जब आगरा के अंदर क्या पर्यटन उद्योग के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा कहीं भी नहीं दी जाती है। जहाँ तक कोरोना काल की बात है, एक पर्यटन उद्योग ही नहीं, बाकी कई ऐसे उद्योग हैं कि जो कि पूर्णतः मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। आज भी यही हालत है, जो टूरिस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल्स के ऊपर सर्वाइव करते थे, जो व्यवसाय, उनका तो आज हाल ही बेहाल है। आगरा के अंदर मोर देन 25-30% होटल इस थर्ड वेव से पहले से ही बंद है, और ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गई तो इसमें से कई होटल्स, जैसे कल ही मेरे पास खबर आई कि सर हमने तो अपने होटल्स बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए भाई? कि सर हमारे जो एक्सपेंसेस ही मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से कई प्रकार की मांग की गई कि भाई इस कोरोना पीरियड के अंदर कम से कम हमारे पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्जेस हैं उसको ही वेव आउट कर दिया जाए, पर कहीं नहीं सुना गया। फिर कहा गया कि सर हम एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास जो है हम दे रहे हैं उनको, 50% का आप कंट्रीब्यूट करिए, 50% का हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हम लोगों को ईएमआई दे रहे हैं उसका कहा कि साहब ईएमआई के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कोरोना पीरियड के लिए हमारे पर टैक्स वेव आउट कर दिया जाए, उसको भी कहीं नहीं सुना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोरोना पीरियड के अंदर पर्यटन उद्योग जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर ये तीसरी वेव थोड़ी सी भी और तेज हो गई, प्रचंड हो गई, तो मैं समझता हूँ मोर देन 50-60% होटल्स वाले होटल बंद करके या तो चाय की दुकान लगाएंगे या खोमचा लगा के बैठेंगे या किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। अभी सेकंड वेव के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम पर्यटन उद्योग से जुड़े, चाहे वो एम्पोरियम वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे रेस्टोरेंट वाला हो, 10-15% ऑलरेडी जो पर्यटन उद्यमी हैं वो दूसरे बिजनेस के अंदर मूव कर चुके हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पर्यटन उद्योग की तरफ कोई भी सरकार ध्यान दे रही है।